कालका विकास परिषद की मीटिंग में विकास कार्यों को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए गए, वहीं नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कालका विकास परिषद की अहम मीटिंग कालका के कृष्णा कैफे में आयोजित की गई। कालका में नई संस्था कालका विकास परिषद का गठन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके बाद संस्था को रजिस्टर्ड भी करवाया जाएगा। इस मौके पर मीटिंग में रविवार को कालका और पिंजौर शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। मीटिंग में पूर्व पार्षद आर के वैद को कार्यकारी प्रधान चुना गया, जबकि देवेंद्र कुमार जैन पूर्व पार्षद व पूर्व पार्षद कुलविंदर सिंह शंटी को वरिष्ठ उप प्रधान चुना गया। इसके अलावा पूर्व पार्षद जेम्स रॉयल को उप प्रधान, राकेश बहादुर को संयोजक, एमएल कश्यप को महासचिव, आरसी शर्मा को संगठन सचिव, स्टारचंद मीडिया प्रभारी रहेंगे। इसके अलावा चार सचिव चुने गए, जिनमें राजकुमार वाल्मीकि, शफीक अहमद, सिमरदीप सिंह, रणजीत सिंह के नाम शामिल है। इसके अलावा तीन संगठन सचिव चुने गए हैं, जिनमें देवीचंद वाल्मीकि, राम सिंह और नारायण शर्मा के नाम शामिल है। कालका विकास परिषद के नवनियुक्त कार्यकारी प्रधान पूर्व पार्षद आर के वैद ने बताया कि यह परिषद गैर राजनीतिक संस्था रहेगी और कालका पिंजौर शहर की समस्याओं पर मुख्य फोकस रहेगा और यहाँ की समस्याओं को उठाकर जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के माध्यम से हल करवाने का प्रयास भी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस परिषद का और विस्तार किया जाएगा, शहर के अन्य गणमान्य लोगों को भी जोड़ने का काम परिषद में किया जाएगा। कालका विकास परिषद का गठन होने के बाद आयोजित मीटिंग में हार पहनाकर एक दूसरे ने नई कार्यकारिणी का स्वागत किया और एक दूसरे को सम्मानित भी किया। सारे इलाके में, खास करके कालका जोन में, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाना, जहाँ कोई प्रोग्रेसिव काम है उसको करवाना, सरकार को कहते हैं मजबूर करते हैं। और ये नॉन पॉलिटिकल संस्था बनाई है हमने, ठीक है। अगर इसके लिए कोई भी मेरे को कुर्बानी करनी पड़ी, एज ए प्रधान, जैसे कि मैं पहले सन 5 में हड़ताल में बैठा था, बिजली पानी के लिए, और पूरा 3 दिन मैंने वो किया था गर्मी चौक में, तो इस तरह दोबारा भी अगर मेरे को सेक्रीफाई करना पड़ा तो मैं तैयार हूँ और जनता की सेवा के लिए जब तक जिंदा हूँ मैं लगा रहा। ये कालका विकास परिषद है, सभी राजनेता आए हैं, सब ने क्या है कालका के विकास की बात की है, परंतु कालका वहीं का वहीं है। जन जो मूलभूत आवश्यकताएँ आज तक पूरी नहीं हुई,